Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पैल वर्ल्ड. तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये गेम पोकेमोन एंड माइनक्राफ्ट का मिक्सचर है. इस गेम में हमें सर्वाइव करना है एक बहुत ही बड़े वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन्स हैं और बहुत तगड़े तगड़े मॉन्स्टर्स हैं. तो हमें उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए इकट्ठे करने होंगे पोकेमोन, जो कि मैंने लास्ट एपिसोड में कुछ इकट्ठे करे थे. ऐसे में कुछ पावरफुल पोकेमोन नहीं इकट्ठे कर पाया था क्योंकि वो बहुत डेंजरस होते हैं. मैंने छोटे मोटे पोकेमोन इकट्ठे करे थे, उन्हें मार पीट के मैंने बॉल में कैप्चर कर लिया था और उनकी मैंने फाइट करवाई थी इन बड़े वाले पोकेमोन से, जिसमें हमारी बहुत पिटाई हुई. तो इस वर्ल्ड में हमारी शुरुआत तो काफी ठीक ठाक हुई है. हमने बहुत जल्दी बहुत अलग अलग पोकेमोन कैप्चर कर लिए, बट आज बारी है कोई पावरफुल पोकेमोन को कैप्चर करने की. देखो, जितना खतरनाक पोकेमोन मेरे पास होगा उतना पावरफुल मैं हो जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो बंदा मेरे लिए फाइट करेगा ना. तो चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं पोकेमोन पकड़ने. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय पर्ल वर्ल्ड. फिलहाल देखो, आज अपना टास्क एक बड़ा खतरनाक पोकेमोन तो पकड़ना है ही, बट साथ के साथ मुझे ना अपने पोकेमोन्स के लिए एक बढ़िया सा बेस बनाना होगा. आई मीन ये जो आप एरिया देख पा रहे हो ना, यहाँ पर मेरा चेस्ट पड़ा है, ये वर्क बेंच है जिसपे मैं चीजें क्राफ्ट करता हूँ, और ये है पैल बॉक्स जिसमें मैं अपने पोकेमोन्स को रखता हूँ. बट मुझे अपने पोकेमोन्स के लिए घर बनाना होगा क्योंकि इन लोग को भी रेस्ट चाहिए होता है सोने के लिए. बट एक सेकंड, मैं एक चीज तो आप लोग को बताना ही भूल गया. लास्ट टाइम मेरी कुछ फाइट हुई थी, ये देखो मेरे आधे से ज्यादा पोकेमोन मारे जा चुके हैं. मेरे ये जितने भी पोकेमोन ऊपर देख पा रहे हो जिस पर टाइमिंग बनकर आ रही है, ये सारे एक फाइट में मरे थे. बेसिकली हुआ क्या था, एक बड़ा पोकेमोन मेरे बेस पे आ गया था और मैंने उससे फाइट कर ली थी, पर वो इतना खतरनाक था कि सबको मार के गया भाई. तो मुझे ना कुछ भी करके जल्द से जल्द एक बढ़िया पोकेमोन चाहिए होगा यार. अभी क्या हो रहा है, मैं किसी भी बड़े पोकेमोन को ऐसे बेसिक लेवल के पोकेमोन से भी फाइट कर रहा हूं ना, तो मेरी बहुत गलत पिटाई हो रही है. या तो मेरे नॉर्मल पोकेमोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़े, या फिर मैं कोई एक बड़ा पोकेमोन को मार के इकट्ठा करूं. बट फिलहाल आज मेरा टास्क है इन पोकेमोन्स के लिए एक बढ़िया सा घर बनाना, बेड बनाना, उसके बाद जाएंगे पोकेमोन पकड़ने. तो एक बार पता कर लेते हैं वो बनाने के लिए चाहिए क्या क्या. तो मुझे जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं मुझे जाना है फाउंडेशन में. तो फाउंडेशन बनाने के लिए ना पहले उसकी टेक्नोलॉजी अनलॉक करनी होगी, जो कि स्ट्रक्चर्स, रिपेयर बेंच भी अनलॉक कर लेते हैं. चलो तो ठीक है, तीन चार चीजें मैंने अनलॉक कर लिया, आई थिंक अभी मैं एक बेस क्रिएट कर सकता हूं. तो ये देखो, फाउंडेशन अपनी अनलॉक हो गई है. तो सबसे पहले मुझे एक बेस बनाना है. तो घर बनाने के लिए ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बैक साइड वाला एरिया यूज करूँ, ये थोड़ा ठीक रहेगा. एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक और इसके बगल में लगा देता हूँ. अभी मैं थोड़ा ना छोटा ही बेस बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास लकड़ियाँ ज्यादा नहीं है भाई, और यार थोड़ी देर में रात होने वाली है. तो बढ़िया रहेगा अगर एक बार घर बन गया ना तो मैं बेड लगा दूंगा ताकि नेक्स्ट सुबह भी जल्दी हो जाए. तो एक ये हो गया, एक ना रूफ लगानी है मुझे, रूफ, मेरा वुडन रूफ ये यहाँ पे लगा देते हैं, और एक मैं यहाँ पे विंडो लगा देता हूँ. ठीक है, अभी थोड़ा सा बेडरूम टाइप एरिया तो हो गया. एक यहाँ पे, एक इधर. अब मुझे एक इधर ना डोर वाला बनाना है, ये रहा डोर. चलो भाई, एक बेसिक सा घर तो मैंने बना दिया, एफ से ओपन होगा और एक रूफ ऊपर भी लगानी है. ठीक है भाई, चलो गाइस. तो अभी अपना जो घर है वो काफी हद तक बढ़िया सा बन के रेडी हो गया है, और देखो रात भी हो ही चुकी है. तो मैं एक ना बेड बना लेता हूँ और बेड बनाकर सो जाते हैं. तो ये है अपना शॉडी बेड, इस बेड को मुझे बना के रखना है. एक बेड मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, दो बेड बना लेते हैं यार. चलो गाइस, डन. एक बेड अपना बन चुका है, और अगर मैं यहाँ पर सोऊंगा तो आई थिंक नेक्स्ट डे हो जाएगा, जो की करना जरूरी है. ओके गाइस, गुड मॉर्निंग. अगली सुबह हो चुकी है और आज के दिन हमें बहुत काम करना है. मेरा फर्स्ट टास्क था एक छोटा सा घर बनाना अपने पाल्स के लिए, जो कि मैंने एकदम मस्त बना दिया है. अभी ये लोग यार लेकिन सही हालत में नहीं है, मुझे वेट करना पड़ेगा. देख रहे हो मेरे दो पाल्स ठीक हो चुके हैं, एक है रूबी और दूसरा अपना ये उल्लू वाला हुक्रेट्स, लेकिन बाकी पाल्स अभी भी थोड़ी बुरी हालत में है. चलो कोई नहीं, जब तक तुम अपना ठीक हो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ. ये लोग अपना पता काम वाम करते रहते, ऐसे लंबो लेना, ये जाएगा पत्थर वत्थर इकट्ठे करके लाता है. देखो ये भाग के गया, इसे पत्थर दिखा, ये उठा के लाया, अभी लाके मेरी चेस्ट में रख देगा. तो ये बढ़िया चीज है, एक टाइप से आप लोग कह सकते हो थोड़े मजदूर पोकेमोन है. तो आज मुझे अगर एक्स्ट्रा पोकेमोन पकड़ने है ना, तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए होगा. बेसिकली इसमें से हमें एक ऐसा मटेरियल मिलता है जिससे हम लोग पॉकी बॉल्स को क्राफ्ट कर सकते हैं. तो इसे थोड़ा तोड़ लेते हैं. बाकी एक सेकंड गाइस, एक मस्त गुड न्यूज है, अभी मैं अपना पैल बॉक्स अपग्रेड कर सकता हूँ भाई. अभी एरिया थोड़ा सा अच्छा लगते जा रहा है, पहले यहाँ पे बस एक जमीन हुआ करती थी, बट अभी एक घर दिख रहा है. बाकी हाँ, पैल बॉक्स को अपग्रेड करने के लिए मुझे बस वी प्रेस करना है, और अब जो है एक ही टाइम पर मैं अपने बेस पे तीन पैल्स रख सकता हूँ. मतलब बॉक्स के अंदर तो मैं बहुत सारे पैल्स पोकेमोन्स रख सकता हूँ, बट ये बेस पे जो एक्टिवली वर्क करते रहेंगे, कोई आएगा तो उससे फाइट करेंगे, बेस को डिफेंड करेंगे, वो टोटल मैं तीन रख सकता हूँ अपने पास. पर जिन तीनों को रखना है वो तो बेचारे मरी हुई हालत में अगले 5 मिनट तक. तो मैं चलता हूँ, थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, एंड घूमने फिरने के लिए मैं फास्ट ट्रेवल यूज कर सकता हूँ. तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ सीधा एक नई लोकेशन पे, जो कि है ये. भाई ये तो सही तरीका है मौके पे चौका मारने का. डायर हाउल की इस टाइम पर सिंडिकेट से फाइट चल रही है, बट यार वो तीन तीन अकेले एक पे अटैक करेंगे सीधा. अरे मेरे पे नहीं, इसको मारो, उल्लू को मारो, मेरे पे कहाँ आ रहा है. बच गया, भाग 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 भाग, दीवार पे चढ़ जाऊंगा मस्त. हाँ भाई कौन था भाई, मेरे उल्लू को तो मार डालेंगे लोग. सॉरी, भागो भाई, ये तो सारे पीछे पड़ गए, मेरे ऊपर भी चढ़ रहे हैं. यार कितना ज्यादा बुरा दिन है भाई आज का, मेरे सारे के सारे पोकेमोन मारे जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है. मैं तो पता बस किस ताड़ में हूँ, इन लोग की फाइट किसी अलग पोकेमोन से हुए और मैं इन्हें उठा लूं. क्या ये जो ग्रीन वाली बॉल है, किसी एक डायर हाउल को मैं मार के उसे पकड़ सकता हूँ. कैप्चरिंग रेट 18% आ रहा है,
भागो भागो भागो, मरूंगा मैं। आ रहा, इसको लेके चलता हूँ मैं। आजा आजा भाई, मैंने शायद से एक को लपेटा तो है। आजा प्लीज आजा आजा आजा। ओ लेट्स गो, हमने डायर होल पकड़ लिया भाई। कोई नया तगड़ा पोकेमोन आया बड़े टाइम बाद। भाई ये जो सिंडिकेट्स हैं ये क्यों है इस वर्ल्ड में मुझे समझ नहीं आ रहा। गोलियां लेके मॉन्स्टर्स को मारते रहते, मेरे अलग लग जाएगी भाई। मैं जा रहा हूँ, मुझे बेस जाना है वापस। लेट्स गो, मुझे काफी खुशी है हम लोग वापस आए हैं एक नया तगड़ा पोकेमोन पकड़ के। बट हाँ, मेरे बहुत सारे पोकेमोन उस चक्कर में मारे भी गए हैं। ये भी मारा गया है, ये भी मारा गया है, पेंगलेट भी मारा गया है, फॉक्स पार्क भी मारा गया है। तो मेरी जो न्यू आर्मी है वो है एक ये फ्लैम्बल। ये बहुत पावरफुल है, 796 HPS का। और अपने पास ये भी पावरफुल है पेंगुलेट। तो जो जो मैं मारे गए थे वहां पे रख दिए हैं भाई। अभी तक मेरे पास जो सबसे पावरफुल पोकेमोन है वो है डायर हाउल। चलो अभी काम करने के लिए यहाँ पे 3-4 पोकेमोन लगा देता हूँ, ये थोड़ा मजदूरी करते रहेंगे। तो मेरे पास जो सामान है ना, कभी उसकी कमी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को हमेशा सामान मिलता रहेगा। बाकी अभी पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में चल के कोई नया वेपन अनलॉक करते हैं अपने लिए। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ आइटम अनलॉक कर सकता हूँ, जो कि है एक जैसे ये एरो हो गया, बो एंड एरो, फायर बो एंड फायर एरो भी है, और एक बैट भी है। तो वैसे बहुत सारी चीजें जो कि मैं यहाँ से अनलॉक कर सकता हूँ। तो अभी मुझे अपने पैल्स के लिए 3-4 चीजें क्राफ्ट करनी है, जो कि है फीड बॉक्स बनाना है मुझे और स्ट्रो पैल बेड बनाना है। फीड बॉक्स कैसा दिखता है भाई? तो ये है पैल बेड, ये बनाना है एक मुझे, और ये है फीड बॉक्स जिसमें शायद से उनका खाना रहेगा। तो ये मैं इधर ही बाहर लगा देता हूँ फिलहाल, मुझे पता नहीं है कहाँ बनाना चाहिए। तो ये है पैल बेड जो कि अंदर लगेगा क्या? ओ वाओ, तो अपने बेड के बगल में इनका बेड भी, ओ नहीं लगा सकता मैं, ठीक है इनका बेड थोड़ा सा खुले में लगेगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं और इसे बिल्ड करता हूँ मैं। चलो ये फटाक से कम्प्लीट हो चुका है इसलिए क्योंकि ये है ना, ये देखो ये भी मेरी हेल्प करते हैं, ये थोड़ा ग्लिच था इसलिए दिख नहीं रहते, बट पीठ पीछे ये तीनों भी मेरी हेल्प करेंगे अब मैं कोई भी चीज बिल्ड करता हूँ। तो क्योंकि ये थोड़े से हेल्पिंग वाले पोकेमोन है, पत्थर इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा करना, गिरा गुरा सारा सामान ये लोग लेकर आते हैं। देखो पत्थर लेकर आ रही है। तो ये मैंने बना दिया। नेक्स्ट टास्क अपना क्या है कि मुझे फीड बॉक्स बनाना है। तो फीड बॉक्स ये होता है और इसको मुझे बाहर रख सकते हैं। हाँ भाई, फीड बॉक्स तो बाहर रख सकते हैं भाई। तो फीड बॉक्स मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में इधर लगा देता हूँ और इसे भी बिल्ड करते हैं। अब देखो जैसे मैं कोई चीज बिल्ड कर रहा हूँ ना, ये सारे भाग के आते हैं और हथौड़ी लेके लग जाते हैं, और जो चीज 10 सेकंड में होनी होती है 3-4 सेकंड में हो जाते हैं भाई। लेट्स गो। तो ये भी हो गया और अभी मैं अपने पैल को अपग्रेड कर सकता हूँ, पैल बॉक्स को। अच्छा मुझे टोटल 3 बेड बनाने हैं। ओह ये चीज नहीं पता थी मुझे। तो मेरा उतना बड़ा बेस तो है नहीं कि मैं 3 बेड बना लूं। तो कुल मिला के यानी मुझे अभी अपना एक यार इससे मैं बाहर बना सकता हूँ, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। ये देखो यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं इसे। तो एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं। ये देखो भाई मुझे बिल्ड करने की जरूरत भी नहीं है, ये लोग खुद भी आके बिल्ड कर देंगे, इन्हें सब पता क्या करना है। बाकी थोड़ी सी लकड़ियां चाहिए तो ये लोग इकट्ठा कर, लकड़ियां लेके आओ भाई, लकड़ियां ही नहीं है यहाँ पे। रुको मैं खुद ही एक पेड़ काट लेता हूँ। देखो मुझे अपना पैल बॉक्स अपग्रेड करते जाना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। डन सीन। तो अभी मुझे एक और पैल बेड बनाना है। लकड़ियां इकट्ठी हो चुकी है, ये रहा पैल बेड, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। चलो भाई बिल्ड कर दो इसे। वो वाला हो चुका है, ये वाला करना है आई थिंक, वो लोग वही वाला कर रहे हैं। चलो भाई डन, पैल बॉक्स का अपग्रेड आ चुका है, एक और पैल बॉक्स अपग्रेड मैंने मार दिया है। और अब मैं अपने बेस पे एक टाइम पे टोटल 4 पोकेमोन रख सकता हूँ। तो चल भाई फडलर, तू भी यहीं पे काम पे लग जा, अभी लोग धड़ाधड़ काम करते रहे। उसके लिए ना मैं एक चेस्ट और बना देता हूँ, बट वुड नहीं है यार। तो मेरे पास अब 5-4 लोग हो चुके हैं काम करने वाले, तो सामान रखने के लिए भी तो डब्बा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे रख दे, ये सारे आ गए, इसे बिल्ड कर देंगे। भाई सही बता रहा हूँ, बिल्कुल माइनक्राफ्ट वाला मजा आ रहा है अभी मुझे गेम खेलने में। अभी सब कुछ काफी सही तरीके से होता जा रहा है, बट एक चीज का जो कि मुझे ध्यान रखना है वो ये है कि यार अभी भी मैं कोई तगड़ा पोकेमोन अपने लिए नहीं पकड़ पाया हूँ। बट अब जब मैं जाऊंगा ना, तो मेरे पास कुछ तगड़े पोकेमोन्स है, मेरे पास स्ट्रैटेजी है। मैं पेंगुलेट 2 लेके जाऊंगा और ये फ्लैम्बल मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा यार, क्यों ना इसकी एक बार मैं फाइट करा के देखूं आखिरकार ये लड़ते कैसे हैं। ये पोकेमोन मुझे उस पिंजरे में कैद मिला था, तो इसे मैं यहाँ पे फेंकता हूँ। जा फ्लैम्बल, ताकत दिखा अपनी। ओह हाय साहब, अच्छा पोकेमोन है यार, मस्त अटैक कर रहा है। मार, अबे थप्पड़ खा गया उससे। देखते हैं भाई। चलो भाई मार दिया इसने, अच्छा पोकेमोन है। चलो यानी आज का दिन मुझे कुछ ऐसे सफल होने वाला दिख रहा है, मैं कुछ तो एक तगड़ा पोकेमोन पकड़ कर लाने वाला हूँ। बट अभी तक ना मैं हमेशा उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्यों ना आज लेफ्ट वाली साइड में जाकर देखा जाए क्या मिलता है इधर। वैसे यार इस तरफ जाना थोड़ा सा बेवकूफी होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्विम करके उस पार जाना पड़ेगा। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, बस पानी ही पानी है। बट हाँ एक ना एक दिन हम लोग उस साइड भी जाकर देखेंगे कि आखिरकार वहां कौन कौन से पैल या पोकेमोन घूम रहे हैं। बट फिलहाल के लिए आज हम लोग यही वाला एरिया एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। और वेट वेट, एरिया छोड़ो, मुझे यहीं पर एक तगड़ा पोकेमोन नजर आ चुका है। ये थोड़ा सा शरीफ पोकेमोन लग रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है भाई। डायनोसम डायनोसम, आज तेरी बारी आ चुकी है बेटा पिटने की। बहुत दिन से चोड़ा हो रहा था ना, इसने मुझे इसी ने मारा था मुझे। रुक जा भाई, आज इसका मुकाबला कराता हूं मैं एक तगड़े पोकेमोन से। पहले मैं इसकी लड़ाई करवा देता हूं। मार इसको। बहुत सही, बहुत ही सही। ओके पड़ी तेरे पड़ी, देखा मैंने, कोई नहीं अटैक कर तू। बहुत बढ़िया, वापस आ जा। अब जाएगा अपना पेंगुलेट, जा पेंगुलेट मार इसको। अबे ऊपर कहां रहा है? ओ अबे ये कितना पावरफुल है भाई, उसने ऊपर आके बस एक टक्कर
बीमारी में मर गया। बट कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं अपने बेस के ज्यादा दूर नहीं हूँ, जल्दी से चलते हैं, अपने पोकेमोन अभी भी वहाँ पर जिंदा बचे हैं। डायनासोर मुझे मेरा सारा सामान लेने दे, तेरे को तो मैं बताता हूँ बेटा। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मार पेंगुलेट इसको, जमा जमा के मार इसको। बहुत सही भाई, वो बेचारा खड़े होकर देख रहा है, उसे पड़ ही जा रही है। वो कुछ सोच रहा है ऐसा लग रहा है। मार पेंगुलेट मार, वो जम रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, ठंड लगने लग गई है उसको। भाई एक मिनट रुक जाओ, मुझे किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, अपना ही अकेला पोकेमोन इसको लपेट देगा। पेंगुलेट भाई देखो देखो ध्यान से, पेंगुलेट भाई इसे ना पूरा मत मारना, इसे ऐसे जमाओ और थप्पड़ थप्पड़ मारो। डायनोसम को बेचारे को ठंड लगने लग गई है, कुछ नहीं कर पा रहा है वो। अरे यार पहाड़ पे चढ़ गया और अब बस पिटता जा रहा है पता नहीं क्यों। ओ भाई उसे चक्कर आ गए, ओ अब गुस्से में आया, वापस आ वापस आ। बच गए, हुकरेट तू जा, बच गया मैं, मार इसको। ओके मारा, वापस आ वापस आ, इस तरीके से फाइट करनी है मुझे। मार यूक्रेट्स उसको, बढ़िया अच्छा अटैक है तेरे, बहुत सही, एक टक्कर और, बहुत सही। गाइस ये जो डायनोसम पोकेमोन है ये थोड़ा सा गजनी टाइप है, 15 मिनट बाद ये भूल जाता है गाइस कि किससे लड़ाई चल रही है। अभी तक इतनी बुरी तरह मारा था सबको, अभी ये भूला पड़ा है, एकदम घोंचू की तरह खड़ा हुआ है बस ये। पर ये अचानक से मारना चालू होगा और बहुत बुरी तरह मारेगा जब तक मैं खाना वाना खा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है तुड़ाई करेगा तो गलत ही करेगा। वैसे गाइस एक चीज तो मैंने भी आपको बताई नहीं कि एक तगड़ा पोकेमोन मेरे पास है जो कि मैंने अभी तक भेजा नहीं है। हुकरेट्स अपना काम कर रहा है भाई, वो उसको नजर ही नहीं आ रहा शायद से। अरे उसके पास मत जा, उड़ा देगा तेरे को। वेरी गुड, सुन तू जा। लो भाई अब मैंने भेजा डायर हाउल, ये चढ़ चढ़ के मारेगा। अबे वो ऊपर है, रुको, डायर हाउल का फायदा नहीं है, पेंगुलेट को ही भेजा जाए। पेंगुलेट वैसे डेंजर कंडीशन में बट जमा जमा के मारता है, टेंशन नहीं है। पेंगुलेट को देखते ही वो गुस्से में आ रहा है। हुकरेट्स तू जा, पिटाई खाएगा हुकरेट्स तो। भाई ये कहाँ से आ रहा है बीच में? मोरेस भाई तेरे अगर लगी ना तो इसमें हुकरेट, तू 2 मिनट वापस आ जा। अबे वेट, इसे कहते हैं फूटी किस्मत, क्या बोलते हैं इसको, फूटी किस्मत। तुमने खुद देखा मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी इससे फाइट चल रही थी और उसने, भाई साहब ने अटैक करा तो वो मेमोरस पे कर दिया, उस एलिफेंट पे उसने एक टक्कर मारी, मर गया। ले भाई अब किसी का है ही नहीं वो, ना मेरा हुआ ना किसी का हुआ। भाई साहब कितनी मेहनत से मैंने उसे मारा था, तुम मेरे को मारने तो नहीं आ रहे? इतना ज्यादा बुरा मुझे जिंदगी में नहीं लगा यार, आज मेरा टास्क है एक तगड़ा पोकेमोन पकड़ना, तो मैं सच में पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो बस मेरे पास अब एक यही ऑप्शन है कि मैं वापस से उस एरिया में जाऊँ जहाँ पर मुझे वो बड़े वाले रेनडियर टाइप दिखे देना, उन्हीं को पकड़ना। अब मेरे को बस उन्हीं को पकड़ना है। भाई बहुत मजाक हो गया, बहुत ज्यादा। अब बस यार और मजाक नहीं, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। एक बार वापस चल के पता कर लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन से पोकेमोन एकदम सही हालत में रेडी हैं, जो कि लड़ने के लिए चल सकते हैं मेरे साथ। लेट्स गो। तो अपने पास है देखो हुकरेट्स को ले जाना सही रहेगा क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा है। पेंगुलेट मैं सोच रहा हूँ 2 ले जाऊं, या फिर एक पेंगुलेट की जगह मैं अपनी फॉक्स रख लूं, फॉक्स की भी हेल्थ बहुत सही है यार। देखो गाइस इस गेम में सीन ऐसा है ना कि मैं पोकेमोन्स की जितनी ज्यादा फाइट कराऊंगा और जब वो लोग फाइट जीतते हैं, सामने वाला पोकेमोन जब मरता है तो उनकी एक नई स्किल अनलॉक होती है और वो और पावरफुल होते जाते हैं। फिलहाल ठीक है, बातें शाते बहुत हो गई। वैसे एक सेकंड, बातों शातों से याद है मैं अपना आर्मर बना सकता हूँ यार, पप्पी साहब टेक्नोलॉजी, मुझे बनाना अपना कॉमन शील्ड। यस कॉमन शील्ड के साथ साथ मैं बोर एरो भी बना सकता हूँ जिसके लिए मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। कॉमन शील्ड बनाने के लिए मुझे सब कुछ है मेरे पास, ये मैं सीधा क्राफ्ट कर देता हूँ भाई। चलो दोनों मिलकर करते हैं। देखो यार अपने पास अगर शील्ड रहेगी ना तो मैं एटलीस्ट जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे मैं बचता रहूंगा यार। आई मीन जो बाकी पोकेमोन्स मेरे पे अटैक करते हैं तो मैं उनका अटैक डिफेंस तो कर लूंगा। चलो मेरे को शील्ड मिल चुकी है जो कि मैं यूज कैसे करूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके मेरे पास पहले तो कुछ स्टार्ट पॉइंट्स है, मैं अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूं। डिफेंस मैं नहीं बढ़ा सकता, वर्क स्पीड मेरे को भी बढ़ानी नहीं है, वेट लिमिट बढ़ा लेते हैं, स्टैमिना बढ़ा लेते हैं। चलो डन। यार मुझे शील्ड यूज कैसे करनी है, चलो यार ये सब बाद में देखेंगे, आज एक बढ़िया सा पोकेमोन पकड़ कर लाते हैं फिर देखते रहेंगे क्या कैसे करना है। लास्ट टाइम मैं गया था यहाँ पे, चलो दोबारा से चलते हैं। फास्ट ट्रेवल करके मैं उसी अड्डे में आ चुका हूँ जहाँ पर मेरी लास्ट टाइम फाइट हुई थी वो रेनडियर से। अबे 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 वेट 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 वेट, क्या हो गया, वापस आओ। पहले मुझे ना कुछ भी करके इनकी आपस में फाइट करवानी है यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाली पेली लड़ाई कर रहा हूँ। निकल यहाँ से। चलो भाई मेरी पोकेमोन ने इन्हें तो मार डाला है, सब कुछ एकदम अभी क्लियर हो गया है। मेरे पास जितने भी पोकेमोन है सबको मुझे ना थोड़ा थोड़ा खाना खिला देना चाहिए और अभी मेरी पूरी आर्मी रेडी है इनसे फाइट करने के लिए। बट ये ना दो दो है, या तो देखो मैं रात होने का इंतजार करूं इन्हें पकड़ने के लिए, या फिर मैं अभी ही फाइट करके किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊं। वैसे बड़ी ऑप्शन तो ये भी रहेगा, तो इसे मारते हैं। चलो अभी यहाँ का आ रहा है भाग के, तो जा हमला कर दे इस पे। भाई डर रहे हैं ये लोग, डर रहे हैं मेरे को लग रहा है जब से पिटे है ना। वैसे डर तो यार सही बताऊं मैं भी रहा हूं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो देखने में जितने क्यूट और शरीफ है ना उतने ही ज्यादा खतरनाक है यार। ये पेंगुलेट को भेज यार, ये दूर से ही बहुत सही डैमेज देता है। जा पेंगुलेट मचा के आ जा। अबे मेरे पास कहाँ है अटैक करना है, अटैक क्या हो गया भाई, मार क्या इसको। ओके हुई फाइट, अब मारेगा। भाई रात हो गई है यार लड़ना। गाइस रुको यार ये एकदम सही टाइम है इनसे लड़ने का, सब लोग अपने अलग अलग रास्ते जा चुके हैं। मैं यहाँ पे अपना पोकेमोन भेज देता हूँ, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। अभी कहाँ भाग रहे हैं, ये कैसा एरिया है, अभी कहाँ जा रहा है भाग के। भाई यहाँ पर तो बहुत सारी फॉक्स है यार, मैं अगर इस फॉक्स के बीच में ये फेंक दूं। अबे नहीं 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 उधर नहीं। ओ वेट 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 गाइस मजा आ गया, मजा आ गया, इन फॉक्स की फाइट हो गई है इससे। ओ भाई ये तो
मारना चालू कर रहे हैं, पर ये भाग ही रहे, डरपोक है क्या ये? मारो इसको, मारो मारो, ये मेरे पोकेमोन से नहीं है भाई, ये इसको सिर्फ मार रहे हैं बहुत ज्यादा बुरी तरह। और ये अभी सो ही गया भाई, सो ही गया ये। रुक जाओ, अपना अपना देखो जो शिकार है वो हमारे मुंह के आगे आके बैठा हुआ है, तो मुझे इसे मारना है, बट इसके जो बाकी दोस्त है ना, मैं सोच रहा हूँ उन्हें यहाँ से चले जाने दूँ, तब मारा चाहे तो थोड़ा बढ़िया है। ओहो, आज ये अपने जाल में फंसने वाला है भाई, बहुत ही पावरफुल है, इसको आज मैं पकड़ के ले जाऊंगा, बट मैं वेट कर रहा हूँ बस जो बाकी दो है ना वो चले जाए। तो सबर का फल मीठा होता है, मुझे एक बार में तीन से लड़ाई नहीं करनी, या तो वो दोनों सो जाए या फिर यहाँ से चले जाए। अबे सो जाओ ना, तुम्हें क्या नींद नहीं आती क्या? देखो ये सो गया है, सारे पोकेमोन सो चुके हैं और ये लोग को भी नींद आ रही है, ये लोग भी सोने की जगह ढूंढ रहे थे, इन्हें नहीं मिली। अरे यार घूम के वापस आ रहे हैं इस तरफ। चलो कोई बात नहीं, जब तक ये लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं मैं कुछ खाना वाना इकट्ठा कर लेता हूँ। यार आज की रात अपने नाम है भाई, हम लोग ये फाइट को जीतेंगे और उस पोकेमोन को पकड़ के ले जाएंगे। यार मुझे सच में नहीं समझ आ रहा ये दोनों क्यों नहीं जा रहे हैं सोने के लिए। सबसे पहले ना मैं सोच रहा हूँ कि डायर हाउल को भेजूं, क्योंकि वो इसके ऐसी टक्कर मारेगा ना इसकी बहुत हेल्थ जाएगी। और लेट्स गो, बाकी दोनों भी सो चुके हैं। चल डायर हाउल जा, मचा दे, बहुत बढ़िया। और बस बस वापस आ जा, और अब बारी से पकड़ने की। आजा आजा आजा, 40% कैप्चर रेट भाई। डायर हाउल ने एक टक्कर मारी और ये खत्म सीधा। लेट्स गो, हमने पकड़ लिया भाई, ये बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है और वो अपने हत्या आ चुका। क्या प्यारा तरीका था भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा था खाली पीली, दिन में तीन चार बार इनसे पिटा। नहीं यार सिंपल था इन्हें पकड़ना, चुपचाप से बस रात में आना था। और वेट अ सेकंड, ये क्या घूम रहा है? टॉम बैट, जा डायर हाउल मार इसको भी। अबे उसको कहां मारने जा रहा है? इसको मारना है, ये कोई नया पोकेमोन है भाई। फाइट तो हो चुकी है, डायर हाउल टक्कर चाहिए, टक्कर बहुत गलत वाली। अबे ये तो चिंदी है, मार इसको ये। अबे भाई मुझे मार रहा है वो तेरे चक्कर में, घोंचू जा तू जा। अरे यार मेरे को डैमेज आ रहा है यार, इस पे निशाना क्यों नहीं लगा पा रहे लोग? बढ़िया बढ़िया भाई, इसको तो अपनी फ्लेमेबल ही मार देगी, उसको जला रखा है भाई गंदी तरह। चल 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 चल, लेट्स गो, वेरी गुड। एक अटैक और फ्लेमेबल, एक अटैक बस, एक बढ़िया सा अटैक मार दे बस, बस वापिस आ। अब बारी ऐसे कैप्चर करने की, आ जा। मेरी पोकेबॉल वेस्ट कर दी। ओके टॉम बैट आते हुए नहीं आया। इसकी मुझे ना हेल्थ कम करनी पड़ेगी, मैं कोई ढीला पोकेमोन भेजता हूँ जो उसको बिल्कुल जरा सा डैमेज दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये मर जाए, देखने में काफी कूल पोकेमोन है। मार तो बहुत तेज रहा है बेटा तू, बट अब तेरी बारी है डंडा खाने की। चल अब आ जा, ड्रामे नहीं, जल्दी कैप्चर हो जा। 51, 76 हो गया। ओके लेट्स गो, हो गया 98 पे तो हो ही जाता है, बढ़िया। आज अपना दिन बहुत खराब था लेकिन रात बहुत अच्छी थी भाई, दोनों बढ़िया बढ़िया पोकेमोन तुम्हारे भाई ने कैप्चर कर लिए। मेरा आज का दिन का बस एक ही टास्क था कि मुझे एक तगड़ा पोकेमोन चाहिए जो कि मुझे मिल चुका है। चलो गाइस लेट्स गो, इससे पहले कि मेरी पिटाई होकर मेरी नाक कटे मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ, क्योंकि मुझे इन पोकेमोन्स को लेकर दोबारा यहाँ पर आना है फाइट करने। और अभी मुझे सच में यार ज्यादा डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो जो पोकेमोन है ना वो अभी मेरे हाथ में नहीं है, वो अपने पैल बॉक्स में जो घर पे रखा है। जल्दी से वहाँ पे चलते हैं भाई, वो क्या मारेगा भाई सबको, वो मेरे चार चार पोकेमोन को अकेला लपेट देता है। मैं तो सोच रहा हूँ यार जाकर क्यों ना एक और पकड़ लूँ वो, बट यार मेरे पास अभी ना पोकेबॉल भी नहीं बची है, तो चलते ही हैं, दोबारा पकड़ लेंगे, अब तो टेंशन नहीं है ना। और देखो यार कितना सारा एरिया एक्सप्लोर हो गया, वैसे अभी बहुत सारा बचा है बट फिर भी काफी कुछ एक्सप्लोर हो चुका है। यहाँ से चलते हैं सीधा बेस पे, और अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना पैल बॉक्स में मेरा न्यू पोकेमोन जो कि है ये। तो देखो अब मैं अपनी पोकेमोन लिस्ट से निकालने वाला हूँ हुक्रेट्स को, फॉक्स को भी निकाल सकते हैं क्योंकि फॉक्स उतना बढ़िया काम नहीं कर रही है। मैं अब डालने वाला हूँ टॉम बैट को, बहुत सही है, और मैं डालने वाला हूँ अपने एलेक्थीडियर को। लेट्स गो भाई, चल भाई एलेक्थीडियर एक बार अपनी शक्ल तो दिखा दे कैसी है। कितना मारा है तूने भाई मुझे, कितना मारा है। अरे 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 कहाँ जा रहा, अच्छा काम चालू हो गया भाई, लेट्स गो। किसका काम, लकड़ी तोड़ना है? अरे भाई अभी अपने को वुड का टेंशन ही नहीं है, मैंने जैसे इसे बेस पे भेजा इसने लकड़ी तोड़ने का काम चालू कर दिया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। टॉम बैट क्या काम करता है, टॉम बैट को भेजें? टॉम बैट भाई कहीं तो जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग। अच्छा उसका काम लकड़ी तोड़ने का है, टॉम बैट भाई साहब का काम है उठा के चीजें लाने का। बट यार ये क्या कूल पोकेमोन है भाई, अभी लड़ाई हो गई। अबे तू टॉम बैट कलेश करवा देगा यार, लड़ाई करवा दी भाई टॉम ने, चुपचाप से नहीं काम करता भाई ये। अरे मेरे को क्यों मारते हो यार तुम, मैं घर में जा रहा हूँ, तुम अपना लड़ो, लड़ाई खत्म हो जाए मेरे को बुला लेना, अपने अड्डे पे गाइस टेंशन नहीं है, खिड़की से बैठ के सारा तमाशा देखूंगा भाई। वाह बढ़िया बढ़िया, बहुत सही भाई, टॉम मारता तो सही है यार। रुको एक मिनट, ये ना ज्यादा चौड़े हो रहे हैं, जाइए भाई एक बार इनको बता कर आइयो क्या सीन है अपना, अभी देगा एक टक्कर। हाँ भाई कौन फालतू बोल रहा है, ये निकल यहाँ से। एक ही में गिर गया भाई ये, है किसी में दम, खत्म भाई सारे खत्म, काम चालू कर दिया उन्होंने, उठा उठा के नीचे भी फेंक दिया भाई जो जो मरा है। अपना तो कोई पोकेमोन नहीं मरा ना, सब जिंदा है ना। हाँ भाई सारे जिंदा है। तो भाई देखो अभी अपने पास 1, 2, 3, 4, एक सेकंड रुको मैं ऐसे भी तो पता कर सकता हूँ। पार्टी, अरे क्या बात हो गई, अबे फाइट क्यों हो रही है इतनी ज्यादा? यार एक्चुअली सीन क्या है ना, ये जो ये ब्लू वाले ना इनका ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा था इसलिए फाइट चालू हो गई और वो खत्म ही नहीं हो रही। बट अच्छी बात तो ये की अपना एक भी पोकेमोन मारा नहीं गया भाई, सारे के सारे यहाँ पर जिंदा है भाई, मस्त घूम रहे हैं, काम वाम चालू कर दिया सबने। इसकी हेल्थ थोड़ी सी
काम थी जो कि आई थिंक धीरे धीरे हील हो जाएगी। आजा आजा भाई, तू मेहनत मत करा, जा इसको उसी के अंदर रखते हैं यार, इतनी काम कराने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, तो आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, काफी सही तरीके से हमने प्रोग्रेस करा, मुझे लग ही नहीं रहा था मैं कर पाऊंगा। बट लास्ट नाइट हमने दो तगड़े तगड़े पोकेमॉन पकड़ लिए और हमने वो डॉग वाला भी पकड़ लिया, वो भी काफी बढ़िया है भाई। उसने उस रेनडियर के एक टक्कर मारी और उसकी आधे से ज्यादा एचपी गई थी। तो चलो गाइस, आज के साल एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो जाके वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 450,000 लाइक के लिए, तो जाओ फटाफट से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और कमेंट्स में जाके जो जो मेरे पास पोकेमॉन्स है उनमें से तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन, तुम्हारा फेवरेट पैल कौन सा है उसका नेम कमेंट में बताना। वैसे सही बताऊं तो मेरा अभी तक जो फेवरेट है वो पेंगुलेटी चल रहा है भाई। वो छोटा सा है पर क्या डैमेज देता है भाई वो, मतलब अकेला ही वो धड़ 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 लड़ते रहता है, बंदे को जमा भी देता है, वो काफी सही है। बट पावरफुल वाइज देखा जाए तो हमें जो एलिथ्रीडियर मिला वो बहुत ही पावरफुल है भाई। तुम्हें कौन सा तगड़ा लगता है नीचे कमेंट्स में जाके बता दो। बाकी यार, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, इस टाइप की और भी बहुत सारी गेम प्ले वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, इतना सोचो मत, लेट्स गो। बाकी ठीक है, आज की वाली वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।